नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं कि यूएन नंबर कैसे पता करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है जिन लोगों ने हाल ही में अभी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करी हो, या कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने का प्लान कर रहा हो, या जिसको 2-4 महीने हो गए हों। ये इसलिए आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है क्योंकि आपको अभी अभी नया कंपनी आपको यूएन नंबर देती है, आप लोग भूल जाते हो। तो इस यू नंबर को आप जब ही पता कर पाओगे जब आपका यू नंबर एक्टिवेट होगा। अगर आपको एक्टिवेट कैसे करें ये अगर पता करना हो, इसके लिए हमारे पहले वाली इससे पहले हमारी जो वीडियो वो आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि यू नंबर कैसे एक्टिवेट करें। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर आपका यू नंबर एक्टिवेट है और आप यू नंबर को भूल गए हैं, भले ही यूएन नंबर आपका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पुराना हो या सालों साल पुराना हो, जब भी आप यूएन नंबर बड़ी आसानी से पता कर सकते। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाली मेंबर होम वाली ये वाली फाइल खुल जाएगी। इसमें क्या आप नीचे जाएंगे तो लिखा है ना ये नो योर यूएन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस चलेगा, नेट का थोड़ा इशू रहता है। तो ये देखो एरर दिखा गया, दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सीधे आप पहुंच जाएंगे मेंबर होम वाले पेज पे। जैसे ही आप मेंबर होम वाले पेज पर जाएंगे तो सबसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये जैसे ही आएगा तो आपको नीचे जाना है। यहाँ पे लिखा है ना नॉट योर इवेंट, नो योर ईवेन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। और एक बात आप लोगों को याद रखना है कि जो ये ऑप्शन आया मोबाइल नंबर, इसमें आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो, या जब भी आपने जिस किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करी हो, ज्वाइनिंग के टाइम आपने जो भी नंबर दिया हो वही नंबर आपको इसमें डालना है। जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, मैं ये नंबर अपना डाल दिया है और इसमें जो कैप्चा है कैप्चा में डाल दिया हूँ, कैप्चा डालने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी, इस पे आप क्लिक करें तो एक ओटीपी आएगा। ये देखो हमारे फोन पर ओटीपी आ गया है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ओटीपी भरना है। ये ओटीपी आ गया है, फिर दोबारा से ये कैप्चा मांग रहा है, यहाँ पे आपको कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा नीचे वैलिडेट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेस में टाइम लेगा और प्रोसेस जैसे कि हो गया, ये ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपका नाम पूछेगा, यहाँ आपको अपना नाम भर देना है, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर दी है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट एनी वन, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, अगर मेंबर जो आईडी है, अगर मेंबर आईडी है तो मेंबर आईडी डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको आधार कार्ड से लॉग इन कर रहा हूँ, फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है कैप्चा का, अभी क्या मैंने इसमें अपना नाम डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन आ रहा था आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेंबर आईडी, इसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने इसमें एक आधार कार्ड अपना सिलेक्ट कराया, इसमें सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, नीचे अपना कैप्चा डाल दिया है। इसमें ऑप्शन आ रहा शो माई यूएन, इस पे क्लिक करोगे आपका यूएन नंबर दिख जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है, देखो आपको यूएन नंबर दिख गया है, तो ये बहुत जल्दी अपने फोन से आप बड़े आसानी से अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अलग किसी प्रकार से किसी भी टॉपिक का अगर वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपकी जरूरत के अनुसार वीडियो बना सकें। नमस्कार दोस्तों।